छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विद्युत कनेक्शन कर प्रत्येक घरों में विद्युत कनेक्शन देना है, फसल सिंचाई के लिए भी कनेक्शन देना है, एक भी घर ना छूटे, जहां जिस घर में लाइट ना हो, अंधकार में कोई भी घर ना रहे। शासन की योजना को धता बताते हुए बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत जौराही के रविचंद्र कुशवाहा के घर में कनेक्शन विद्युत कनेक्शन लगाने लाइनमैन के द्वारा 5500 रुपए लेकर कनेक्शन लगाया गया था। फिर लाइनमैन के द्वारा 5500 रुपए लेने के बाद भी विद्युत कनेक्शन काट दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित रविचंद्र कुशवाहा के द्वारा विद्युत मंडल वाड्रफ नगर, विद्युत मंडल बलरामपुर और जिला कलेक्टर बलरामपुर में की गई है। पीड़ित का 2 HP मोटर कनेक्शन, घरेलू बिजली कनेक्शन लिया गया है। रविचंद्र के द्वारा दूसरे से कर्ज लेकर कृषि फसल सिंचाई के लिए ट्यूबवेल खनन कराया गया था और सब्जी फसलों का सिंचाई नहीं होने से किसान के सामने रोजी रोटी को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है। परंतु लाइनमैन के द्वारा लाइन कनेक्शन तार काट कर ले जाया गया और 5500 रुपए लेने के बाद 1090 रुपए का पेमेंट रिसिप्ट बनवाकर दे दिया गया, जिससे किसान व्यथित होकर उच्च अधिकारियों से लाइन कनेक्शन कराने की मांग की है और फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति का भी मांग की गई है। अब देखना यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं और किसान को कब तक न्याय मिल पाता है। क्या मामला है आपका? हमारा मामला कनेक्शन 4 खंभे का काट दिया। ये कब कटा? 19 तारीख। अब आपका कनेक्शन कब हुआ था? दिसंबर में। तो कनेक्शन के समय आपका क्या बात हुआ था? 5500 रुपए ले लिए थे अगले, तो 1090 का रसीद मिला है। 1090 का रसीद मिला है? हाँ, मीटर आन के ही ठोके हैं। अच्छा, तो अखिलेश कौन है? अखिलेश लाइनमैन। और कौन साथ में था अखिलेश के? ये राजेंद्र कुशवाहा, ऑपरेटर वाडा फायर के। अच्छा, पैसा कौन दिया था? पैसा रविचंद्र। अच्छा, दिए थे। आप ही हैं रविचंद्र? हाँ, हम ही हैं। अच्छा, अखिलेश को दिया इसका विस्तार में क्या मामला? देखिए, ये मामला ये है कि हमारे पास गोपाल नाम के व्यक्ति द्वारा सूचना ये दिया गया था आवेदन के माध्यम से और जिला में भी प्रस्तुत किया गया था कि रविचंद कुशवाहा द्वारा लगभग 2 खंभे का तार अवैध रूप से बिना किसी विभाग के अनुमति के अपने निजी स्तर से उन्होंने अवैध रूप से गड़वा के अपने घर के लिए कनेक्शन विभाग के पास फॉल्स प्रस्तुत किया गया था। इसी के तहत जब हम लोग मौका जायदाद पे पहुंचे और वहां पे जांच की तो वास्तविक में वहां पे यही पाया गया कि वर्तमान में विभाग के पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है जिसके तहत कि यहां पर वो जो खंभे गड़े थे उसको प्रमाण किया जाए, जिसके तहत वहां पे 2 खंभे का तार तत्कालीन मौके से निकाल दिया गया है। और जिस प्रकार से वहां से शिकायत आई थी कि वो तार अवैध है, वहां पर उसका लोगों का बयान लिया गया, बयान से ये भी पाया गया कि वो तार ठेकेदार के द्वारा पैसे के लेन देन करके वहां पे खिंचवाया गया है। ये तार लगभग आज से लगभग 8 से 9 महीने पहले ये काम हुआ है। सरगुजा संभागीय ब्यूरो, आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।